Good morning, students. Today we will be starting with a new chapter in English grammar. We will start chapter 22, this and these, that and those. Now, where do we use this and these? Okay, first of all, हम ये जो चारों words है, this, these, that and those, ये हम किसी भी चीज को दिखाने के लिए, point out करने के लिए use करते हैं. But these, we use this and these for naming words which are near us. Near मतलब हमारे पास में. अगर हमारे पास में कोई भी person, place, animal or thing, ये कोई भी चीज हमको दिखानी है जो हमारे पास है, which is near us, then we will use this and these. Now students, you all underline this part so you can understand. Near us. Okay? This and these we use when the things are near us. Like see, this is an elephant. बट उसमें दिस THIS दिस हम एक चीज के लिए यूज करेंगे. ओके, व्हेन देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज नियर अस, कोई एक चीज जो हमारे पास है, तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे. नाउ ये चीज दीज आर बुक्स, तो ये चीज भी हमारे पास ही है, इट इज नियर टू अस, बट इट इज मोर देन वन. बुक्स सी यहाँ पे एस है, सो इट इज मोर देन वन. तो जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है तो वी विल यूज दीज, THESE, दीज. ओके, लाइकवाइज वी यूज दैट एंड दोज फॉर नेमिंग वर्ड्स दैट आर फार फ्रॉम अस. यू अंडरलाइन व्हाट इज फार. ओके, व्हाट डू वी यूज दैट एंड दोज. जो चीज हमसे फार है, फार मतलब दूर है, उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट एंड दोज. सी दिस वन, दैट इज अ बर्ड. नाउ ये बर्ड हमसे दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट. देन दोज आर बोट्स, ये बोट हमसे दूर है बट एक से ज्यादा है, इट इज बोट्स, सो वी विल यूज दोज. ओके, नाउ again we will repeat this once again. See here it is written, we use this and that for naming words that mean one. This and that hum koi ek cheez ke liye use karte hain. See this jo cheez hamare paas hai, which is near us, this is a giraffe. Now that is a kite, kite humse dur hai, it is far from us, so we will use that. सो दिस एंड दैट वो हम एक चीज के लिए यूज करते हैं. नाउ दीज और दोस ये हम कौन सी चीज के लिए यूज करते हैं, विच इज मोर देन वन. दीज मतलब हमारे पास है बट इट इज मोर देन वन, सो वी विल यूज दीज आर पेन्स. देन सी दीज बलून्स, बलून्स आर फार फ्रॉम अस बट दे आर मोर देन वन, ज्यादा बलून्स है बट हमसे दूर है, सो वी विल यूज दोज, दोज आर बलून्स. नाउ ओके सी दिस वन, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद दिस और दीज. हमको क्या यूज करना है ब्लैंक्स में, दिस और दीज, मतलब ये दो, ये कब यूज होता है दिस और दीज, व्हेन द थिंग्स आर नियर अस. यहाँ पे अब ब्रैकेट में लिख दो नियर अस, सो इट विल बी इजी फॉर यू. दिस और दीज कब यूज होता है, व्हेन द थिंग्स आर नियर अस. नाउ सी बॉय, तो ओनली वन बॉय इज देयर, तो जब एक ही चीज हमारे पास है पर एक ही चीज है तो क्या यूज होगा, वी विल यूज दिस. देन रोज, रोज ओनली वन रोज इज देयर बट इट इज नियर अस, सो व्हाट वी विल यूज दिस. Then teddy bear, only one teddy bear is there, we will use this. Bed, bed also only one bed is there, so here also we will use this. Cap, only one cap is there, so
So we will use this. Then see this, chairs. Chairs means more than one. So we will use these. Then toys. Toys also means more than one. So here also we will use these. Then girls. Girls also more than one. So we will use these. Then tables. Tables is also more than one. Then books. Books is also more than one. So we will use these. Okay. So this and these. When anything is near us, जो हमारे पास है और अगर वो one thing है तो उसके लिए this use होगा और अगर वो एक से ज्यादा है more than one है तो उसके लिए these use होगा. Okay? Now see the next question. Fill in the blanks with that or those. That or those कब use होता है? First write over here when the things are far from us. ओके, राइट इन द ब्रैकेट ओवर हियर. सो आपको याद रहेगा कि कब यूज होता है. ओके, नाउ दैट और दोस, जब एक चीज होती है जो हमसे दूर है उसके लिए हम दैट यूज करेंगे. नाउ इफ देर आर मोर थिंग्स, मोर देन वन है, अगर कोई ज्यादा चीजें है जो हमसे दूर है तो उसके लिए हम दोस यूज करेंगे. लेट अस सी, बर्ड्स. बर्ड्स आर मोर देन वन. So we will use those. Then packet. Packet is only one. So we will use that. Then book. Book is also only one. So here also we will use that. Then puppy. Puppy is also one. So we will use that. Then boat. Boat is also one. So that will also be that we will use. Okay, then bags. Bags means more than one. So we will use those. Then ducks. Ducks also means more than one. So here also we will use those. Then shoes. Shoes also means more than one. So here also we will use those. Then flags. Flags is more than one. So here also we will use those. So right over here. Then fans. Fans is also more than one. So you can write over here those. Okay, now see this question. Tick the correct words given in the brackets. Now we have to read the sentence aur jo correct word hai usme tick karna hai. निक्की प्लीज पेंट डैश पिक्चर. क्या आएगा, दिस या दीज? ओनली वन पिक्चर इज देयर. सो वी विल यूज दिस. देन डैश एरोप्लेन इज अप इन द स्काई. एरोप्लेन, ओनली वन एरोप्लेन इज देयर. सो वी विल यूज दैट. देन डैश चेयर्स आर न्यू. चेयर्स मीन्स मोर देन वन है. सो वी विल यूज दीज. देन you blow dash balloon. Balloon, only one balloon is there. So we will use this. Then dash peacock on the roof of the house is beautiful. One peacock is only there. So we will use that. Then dash clouds are gray in color. Now clouds is more than one. So we will use that. Okay, then fill in the blanks with that or those. That or those, again it is used when the things are far from us. Yes. So hills. Hills is more than one. So we will use those. Then hut. Hut, only one hut is there. So we will use that. Then elephant. Only one elephant is there. So we will use that. Then birds. Birds are more than one. So we will use those. Okay. Understood, students? Now, see, this is very easy. You just pay attention and listen to this video two times.
you will be able to properly understand it. Okay, so complete this much work in your English grammar textbook. We will continue in the next video.